सर अपना क्या बोले सर? वो क्या लगाते हैं सर उसमें, वो जो ट्रेडमार्क का क्या है लगाते हाँ, हैं? टीएम टीएम आपको लगाना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पे है सर का, आप देखेंगे तो यहाँ पे माई एक्सन में आपका ओएम पैनल बना है। तो ओएम पैनल आपने, जब आपको एंटर असेसमेंट हो चुका है और ओएम पैनल यहाँ पे बन गया है, तो यहाँ पे जब मेरा ओएम पैनल हो गया तो मैं मल्टीपल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। जितना हमने कैटेगरी डाला था उतना है, उसमें से रिवॉल्विंग चेयर भी है। तो मतलब आप यहाँ पे ओएम, आपको ओएम में रजिस्टर्ड हो गए, आप यहाँ पे ओएम में एज ए रजिस्टर्ड हो गए। और भी है यहाँ पे, ओएम में आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पर आपका यहाँ पे तब तक आप ओएम नहीं बनते हैं, ये आपका बता दिया, ये ब्रांड है, रॉयल कास्ट का ब्रांड है, ये भी आपका हो गया, ये इस कैटेगरी में है, ये कैटेगरी में ये ब्रांड अवेलेबल है, ये आपने उनको बता दिया। पर ये ब्रांड का ये जो ओएम बने हो आप, इस ओएम का आप ही ब्रांड हो, मतलब आपका ही ये ब्रांड है, इसके लिए आपके पास प्रूफ नहीं है। अभी तक आपने दिया है आपके पास, पर आपने ये अब तक डिस्प्ले नहीं करवाया है। इससे थोड़ा बताएंगे कैसे होगा? हाँ मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, जब तक आप ये डिस्प्ले नहीं कराएंगे तब तक आपको नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैटलॉग में, प्रोडक्ट में, सर्च माई ऑफरिंग। अभी इनके लिए आपको दो चीजें की जरूरत है, एक तो वेबसाइट और एक है टीएम। या फिर विदाउट टीएम भी आप अपलोड कर सकते हो ट्रेडमार्क, पर आपके पास गवर्नमेंट का ऑर्डर कॉपी वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रांड या ओएम रिक्वेस्ट, यहाँ से अपने को पता चलता है जो मेरे इसका अप्रूवल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ ओएम अप्रूवल हुआ है, ब्रांड अप्रूवल नहीं हुआ है। जिसमें ब्रांड एंड ओएम दोनों पार्ट अप्रूवल हो गया है, आप उसमें एज ए ओएम की तरह प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है कैटेगरी, इस कैटेगरी में यदि आपने ये ब्रांड को लिया, आपका जो ब्रांड है ये ब्रांड को लिया, तो आप एज ए ब्रांड की तरह, आपका एज ए ओएम की तरह यहाँ पे प्रोडक्ट को अपलोड कर पाएंगे। इस कैटेगरी में यदि आप देखेंगे तो आपको आपका ब्रांड दिखेगा, जैसे कि देखिए मेटल सेल्विंग रैक्स, एम्पायर सेप बोल के, मेटल सेल्विंग रैक्स कैटेगरी है। तो कैटलॉग में जाओ, प्रोडक्ट में जाओ, एड न्यू ऑफरिंग। कौन सा ब्रांड था सर आपका यहाँ पे? रॉयल रॉयल कॉस्ट नहीं था, वहां पे दूसरा कोई ब्रांड था। हाँ अच्छा एम्पायर, एम्पायर तो नहीं था एम्पायर से? एम्पायर तो नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ टीएम ना, हाँ एम्पायर से। ओके अभी यहाँ पे टाइप, कैसे भी टाइप डाल देंगे, कैसे भी डालेंगे, मुझे अजय यहाँ पे ओएम की तरह अपलोड करने को मिलेगा, क्योंकि ये मेरा ब्रांड अप्रूव्ड है और साथ में ओएम भी अप्रूव्ड है। यहाँ पे आ रहा है ओएम अच्छा बराबर, इसमें आ रहा है, पर आप यही रिवॉल्विंग चेयर में देखेंगे तो ओएम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रिक्वेस्ट आपका एक्सेप्टेड नहीं है, इसके वजह से वो आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको एज ए ओएम बनना है, वहां पर ओएम की तरह रिवॉल्विंग चेयर को भी अपलोड करना है, तो यहाँ पे जैसे है ब्रांड एंड ओएम है, सेम चाहिए वहां पे। यदि आपका सेम रहेगा तभी आपका अप्रूवल मिलेगा। तो आपके लिए इसका जो रॉयल कास है, इसका आपके पास टीएम है, तो मैं आपका यहाँ के वेबसाइट से टीएम डाउनलोड कर लेता हूँ, मुझे बाकी की जगह नहीं चाहिए। ये आपका टीएम का सर्टिफिकेट है, सॉरी ये है, मैं इसका सर का डेस्कटॉप, सॉरी आरके ट्रेडमार्क, सर का एक ट्रेडमार्क हो गया। और सर आपका वेबसाइट मुझे चाहिए, अब इसको अप्लाई करना है मुझे, किसमें चाहिए? रिवॉल्विंग चेयर में, रिवॉल्विंग चेयर में। कैटलॉग, प्रोडक्ट, एड न्यू ऑफरिंग, इस रिवॉल्विंग चेयर यहाँ पे जाएंगे, क्लिक हियर टू ऐड ब्रांड, है ना, हम यहाँ पे ब्रांड को ऐड करेंगे। यहाँ पे है
सर का ब्रांड, वी आर ओनर ऑफ द ब्रांड पर डोंट हैव रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, यदि आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो, और आपका ब्रांड है पर आप ओएम डैशबोर्ड के लिए विदाउट ओएम डैशबोर्ड के बाद भी अप्लाई, ओएम डैशबोर्ड के साथ विदाउट ब्रांड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है, और आपके पास ट्रेडमार्क कॉपी नहीं है तो आप इनके साथ भी जा सकते हो, पर मेरे पास ट्रेडमार्क है तो हम इनके साथ ट्रेड टीएम के साथ जाएंगे। मेरे पास है रॉयल, कैसे रॉयल ये वाला सर का ब्रांड, हाँ बराबर है, कंफर्म कर दिया इसको, इसको करेंगे प्रोसीड। अभी आया था प्रोसीड का ऑप्शंस, यहाँ से प्रोसीड का ऑप्शंस निकला, मुझे चाहिए स्पेल बराबर है ना सर, ब्रांड एंड ओएम ऑलरेडी, ब्रांड एंड ओएम ऑलरेडी एग्जिस्ट, हेलो एक ब्रांड तो आ चुका है, ये अप्लाई हो चुका है क्या, देखते हैं एक बार सर, तो आपके नाम से नहीं दिखा रहा है, देखो सर यहाँ पे आ चुका आपका, ठीक है, ये ब्रांड अप्रूवल नहीं था शायद, मैंने भेज दिया था ब्रांड के लिए तो वो अप्रूवल हो चुका, जैसे अप्रूव्ड हो चुका आपको यहाँ पे एज ए ओएम प्रोडक्ट को, पहले आपका नहीं आ रहा था पर अभी एज ए ओएम आपका प्रोडक्ट अभी आप बेच पाएंगे, यदि इनकेस नहीं रहता तो वहां से अभी आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा आपको डालना है तो आप ब्रांड एंड ओएम दोनों के लिए डालना है और दोनों को डाल के अप्लाई करना है, जैसे वो अप्लाई हो जाएगा तो आपको एज ए ओएम ये प्रोडक्ट को आप बेच पाएंगे, ठीक है, मतलब दोनों चीज साथ में करना, हाँ दोनों साथ में, ब्रांड का भी और ओएम का भी दोनों आपको अप्रूवल होना चाहिए, जैसे आपका दोनों अप्रूवल हो जाएगा आप ऐसे एज ओएम की तरह ये प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, जब तक आपका दोनों अप्रूवल नहीं होगा तब तक आप एज ए ब्रांड एज ए ओएम प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे, एज ए रीसेलर बेच पाएंगे पर एज ए ओएम नहीं बेच। सर जैसे हमारे पास जो सारी कैटेगरी है उसका सिर्फ हम ब्रांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाँ ब्रांड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी अपने हमने अप्लाई किया वैसा ही सब कैटेगरी में जाके आप अपना ब्रांड के लिए अप्लाई कर दो, ये अप्रूवल होने में एक दिन लगेगा, मैंने कल डाला था, देखो आज ये अप्रूवल हो चुका है तो आप एज ए ओएम की तरह अप्लाई हो गए आप, अभी आप कोई भी प्रोडक्ट एज ए ओएम इसके अंदर आप अपने ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट एज ए ओएम की तरह बेस्ट सेल करेंगे, और आपके पास यदि किसी ने आपका क्लोन वगैरह किया तो आपके पास राइट्स रहेगा कि आप उनको रिजेक्ट भी कर सकते हो और उनको एक्सेप्ट, अभी आपका प्रोडक्ट कोई भी ऐसे क्लोन नहीं कर पाएगा, क्लोन तो कर पाएगा पर क्लोन करने के बाद आपके पास रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा, जैसे ये भी क्वेरी था जो रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगा,
तो ये रिक्वेस्ट आएगा ओएम पैनल पे। ये आपका ओएम पैनल पे आएगा। जैसे यहाँ पे किसी ने डाला अलमीरा का, तो मैनेज अप्रूवल या मैनेज कैटलॉग, तो मैनेज अप्रूवल्स। यहाँ पे आपको दिखेगा कितने लोगों ने आपको रिक्वेस्ट भेजा है और कौन क्लोन किया है। यहाँ पे पूरे डिटेल्स आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो जो भी आपका ओएम फॉर पेंडिंग बोल के आता है, देखो यहाँ पे ऑथराइजेशन, यहाँ पे आपको पेंडिंग अप्रूवल के लिए ऑथराइजेशन दिखेगा, अनऑथराइज वेटिंग फॉर एडमिन क्लियर यहाँ पे दिखेगा किसी ने यदि आपका किया है, ये सेलर दिखेगा, जो लोग जिसको अप्रूव कर देंगे वो सेलर का नाम यहाँ पे दिखता रहेगा। आप कभी भी कोई भी सेलर को निकाल सकते हो, जो कैटलॉग आप डालेंगे उस कैटलॉग का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगा, ये अलमीरा का। ऐसे आप किसी का भी देख सकते हैं, जो भी आप एज ए ओएम प्रोडक्ट को डालेंगे उसका पूरा डिटेल्स हिस्ट्री आपको यहाँ दिखेगा, कैटलॉग का, ओएम का, रीसेलर कौन है, उनको अप्रूवल। आप जो भी जो आपका प्रोडक्ट को क्लोन करेगा आप उनको अप्रूवल करेंगे तो ही वो आपका प्रोडक्ट क्लोन कर पाएगा, नहीं तो अप्रूवल क्लोन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आके पड़ा रहेगा पेंडिंग अप्रूवल पे, जब तक आप यहाँ से अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट को क्लोन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बोलिए। ये ओएम पैनल की ये बेनिफिट है, जिससे क्या होता है हम अपना प्रोडक्ट को कोई भी रेट में क्लोन नहीं कर पाता और मेरा प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंगली सेफ रहता है। अभी मैं प्रोडक्ट को 1000 रुपए बेच रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को कोई भी 700-800 रुपए में क्लोन नहीं कर पाएगा। गुड मॉर्निंग सर, ऑथराइजेशन नंबर यहाँ से मिल सकता है ओएम पैनल? ऑथराइजेशन नंबर, हाँ ऑथराइजेशन नंबर देखो, अभी यहाँ पे जो भी ऑथराइजेशन नंबर होगा, द लिस्ट ऑफ ऑथराइजेशन नंबर, ऑथराइजेशन सेलर नंबर, ये आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखना चालू हो जाएगा। और जब आप ऑथराइजेशन नंबर इश्यू करते हैं तो यहाँ पे जब कॉर्डन के प्रोडक्ट होते हैं तो उसका आप ऑथराइजेशन नंबर आप यहाँ से इश्यू करवा सकते हैं। अभी ये सर के जो प्रोडक्ट है ये कॉर्डन के रिलेटेड नहीं है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे वो आपको नहीं दिखना चलता है, नहीं तो बाद में आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा जो भी कॉर्डेंट के रिलेटेड है, तो आप यहाँ से उसका ऑथराइजेशन नंबर भी इशू कर सकते हैं और वो ऑथराइजेशन नंबर आपको दिखना चालू हो जाएगा। अभी सर के पास तो काफी कैटेगरी के ओएम पड़े, तो ये सब खुद ही ओएम है सब ये प्रोडक्ट? हाँ, इस प्रोडक्ट के सर सबके ओएम बने हुए। ओके, तो यहाँ से आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा, जिससे आपको एज ए ओएम, तो ओएम में बेनिफिट यही होता है कि आपका प्रोडक्ट इजीली कोई क्लोन नहीं कर पाएगा और आप जब तक ऑथराइज नहीं करेंगे तब तक वो किसी कोई भी प्रोडक्ट को क्लोन नहीं करेगा। जैसे हमारे पास भी काफी प्रोडक्ट आपने देखा था कि कोई कोई प्रोडक्ट क्या हो रहा था, हमारा ओएम के लिए पेंडिंग ऑफर ओएम क्लियरेंस पे चला जा रहा था। अभी सर के पास कोई प्रोडक्ट है क्या? नहीं है, यहाँ पे ओएम क्लियरेंस पे, मतलब उस प्रोडक्ट का वो ओएम है और वो ओएम के विदाउट अप्रूवल आपको प्रोडक्ट को क्लोन हम नहीं कर सकते। ठीक है सर, यहाँ से ओएम रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट लेटर डाल सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, पर जब तक ओएम अप्रूवल नहीं करेगा तब तक आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ऑथराइजेशन नंबर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो ओएम पे? नहीं, वो सिर्फ कॉर्डेंट के प्रोडक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं, बाकी के नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए नहीं। वो तो उसके लिए आपको ऑथराइजेशन नंबर का रिक्वेस्ट यहाँ से नहीं डाल सकते, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा पहले, लेना पड़ेगा। ओके, हाँ, पर बाकी के प्रोडक्ट जो कॉर्डेंट के प्रोडक्ट नहीं है वो प्रोडक्ट का आप यहाँ से रिक्वेस्ट डालेंगे। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये जो मतलब रिसेलर क्लोन करते हैं ओएम के प्रोडक्ट्स, मतलब ब्रांड या फिर, तो क्लोन मतलब इटसेल्फ कंप्लीट क्लोन ही होता है क्या? प्राइसिंग वेरी नहीं होता है रिसेलर और ओएम? हो सकता है ना, आप प्राइस, आपके पास कभी भी ऑप्शन होता है प्राइस वेरी करने का, आप प्राइस डाल सकते हैं ना, पर वो ओएम को दिखेगा, उसको लगेगा हाँ प्राइस ये प्रॉपर है, यदि उसको अप्रूवल करना है तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके सर, थैंक यू।